देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। तस्करा होगा कराची का। कराची की किस्मत तो ना बदली, लेकिन कराची के एडमिनिस्ट्रेटर की तब्दीली अब यकीनी होती नजर आ रही है। मुर्तजा वहाब साहब जो कि कराची के एडमिनिस्ट्रेटर रहे, और दो माह पहले जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो इस बात के हवाले से कहा जा रहा था कि कराची का एडमिनिस्ट्रेटर अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से होगा। वही कुछ होता हुआ नजर आया कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने तीन नाम तजवीज किए, जिसमें से अब तक जो इत्तला'आत आ रही है सामने कि तवील मुशावरती इजलास हुआ, दो घंटे तवील ये इजलास जारी रहा, उसके बाद डॉक्टर सैफुर रहमान साहब का जो नाम है उसके ऊपर फाइनलाइजेशन हो चुका है, जो कि यकीन तौर पर अब कहा जा सकता है कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची के अहदे पे तैनात होंगे। इससे पहले कि डॉक्टर सैफुर रहमान साहब के जो अहम अहदा संभाले हुए थे वो थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर सिंध, यानी कि वो इस तमाम तर सूरत हाल से बखूबी वाकिफ है, और अब यह कहा जा सकता है कि गवर्नर के बाद एडमिनिस्ट्रेटर कराची भी अब मुत्तहिदा कॉम्युनिटी पाकिस्तान का होगा। इस तब्दीली के बाद आखिर क्या होगा, और पाकिस्तान में के सबसे बड़े शहर माशी हब कराची की तकदीर भी क्या बदलती नजर आएगी, इसके ऊपर बात करने के लिए हमें ज्वाइन करें सीनियर सहाफी और तजियाकार जनाब मेराज सिद्दीकी साहब। मेराज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया। मेराज साहब, ये जो तब्दीली हुई है और बड़ी तब्दीली है, क्योंकि कराची में हम देखते हैं कि अख्तियारात की जंग रहती है, कराची में बल्दियाती इंतखाबात भी अब 15 तारीख को होने जा रहे हैं, 15 जनवरी को होने जा रहे हैं। इस तमाम सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का लगाया गया, ये कितनी बड़ी खबर है कराची के एतबार से? देखें, सबसे पहले तो मैं आपको याद करूं कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का नहीं लगाया गया है। उसकी वजह यह है कि डॉक्टर सैफुर रहमान साहब जो हैं वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कारकुन नहीं है। वो गवर्नर हाउस में अभी एक 19 या 20 ग्रेड के एक सरकारी मुलाजिम है जो गवर्नर साहब के पास है। पीपल्स पार्टी, जो अंदर ही खबर है कि पीपल्स पार्टी और एमके के दरमियान जो टेबल टॉक हुई है, अभी जो हुई है उस पर यह तय पाया है कि ना ही तो पीपल्स पार्टी का कोई हो और ना ही तो एमक्यूएम का। हम एक ब्यूरोक्रेसी से जो दोनों को बेहतर अंदाज में कराची की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं उनको डॉक्टर सैफुर। पर तजवीज तो ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की थी ना, क्योंकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से नाम तजवीज किया गया था। उन्होंने एक नाम जो है वो यकीनन ये सारी मीटिंगें गवर्नर हाउस में हुई है, बिल्कुल, और इनकी तैनाती भी गवर्नर हाउस में, जो लास्ट पोस्टिंग इनकी है वो गवर्नर हाउस की है, बिल्कुल, और इनको वहीं पर लगाया गया है। तो ये किसी एमक्यूएम या पीपल्स पार्टी के कारकुन नहीं रहे और ना ही तो इनके कोई, जैसे तीन बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटर लग रहे हैं उनमें और इनमें थोड़ा सा फर्क है। तो मैं थोड़ा सा इसमें आपको बताते चलूं कि कराची के जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो अगर यहाँ, ये मुशावरत जरूर है, ये बात डिस्कस है कि नाम जरूर एमक्यूएम पाकिस्तान ने दिया है और पीपल्स पार्टी ने उस पर एग्री किया है। अच्छा, ये बताया ना मेरा साहब, अब ये जो नाम एग्री हो चुका, इसके बाद क्या तब्दीली होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इख्तियारात की बात की जा रही थी, अब ये तस्वीर क्या जा सकता है कि सैफुर रहमान साहब को मुकम्मल सपोर्ट हासिल होगी कराची की दो बड़ी जमातों की जानिब से? देखें, मैं आपको आपके तवसुस से कराची और पाकिस्तान के अवाम और इनको बताता चलूं कि जब पीटीआई के खिलाफ एमक्यूएम ने मुखालफत की और अदम एतमाद का वोट डाला, जिससे उन्होंने पीपल्स पार्टी की सपोर्ट की और अदम एतमाद के जरिए वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब को हटाया गया, उस टाइम पे जो पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दरमियान जो मुहायदा था वो चंद नुकात में आपको रिपीट कर दूं। इसका पहला जो मुहायदा ये था कि हमारे जो लापता साथी हैं उनको आप बाजियाब करवाएंगे, वापस लेके आएंगे। दूसरा ये है कि कराची में जो एमक्यूएम पाकिस्तान के जो ऑफिस हैं क्लोज हैं इनको आप खुलवाएंगे। और तीसरी बात ये थी कि आप 141A के तहत जो सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में एक फैसला दिया था कि हम लोकल गवर्नमेंट को निजी तरह से पावरफुल बनाएंगे, अथॉरिटी और इख्तियारात के साथ इनको देंगे इस पे, और तीसरी बात डिलिमिटेशन पे काम करना था, सेंसस पे काम करना था और बल्दियाती इलेक्शन पे काम करना था। ये बहुत आखिर की बात थी कि हम वजारत लेते, एडमिनिस्ट्रेटर लेते और हम डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेटर लेते। यकीनन देखें, अगर किसी इदारे में या किसी भी घर में अगर कोई वालिद मौजूद हो लेकिन चलती उसके किसी घर में किसी और फर्द की हो तो उसके रहने और ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी एक मिसाल कराची शहर ने 4 साल तक देखी है
कि वसीम अख्तर जब यहाँ के मेयर कराची रहे तो वो इस बात का रोते रहे कि मुझे इख्तियार दिया जाए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर जनवरी में ये 148 के तहत जो केएमसी को, डीएमसी को और एडमिनिस्ट्रेटर कराची को और आपके मेयर कराची को जो अथॉरिटी मिलनी चाहिए वो अथॉरिटी, देखें एडमिनिस्ट्रेटर कराची के पास कोई पावर नहीं है, पावर ना कचरा उठाने की पावर सिंध गवर्नमेंट के पास है, रोड बनाने की पावर सिंध गवर्नमेंट के पास है, इवन तकरीबन केएमसी के पास, डीएमसी के पास कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है सिवाय झाड़ू देने के हवाले से या कुछ जमीनों की लीज या उसके जो इंक्रोचमेंट के हवाले से। तो देखें शुरू ही में जो अदम एतमाद जो इमरान खान के खिलाफ किया गया था उसकी बुनियादी वजह यह थी कि कराची का जो 100 अरब था, कराची के जो मसाइल थे, कराची को जो रूट लेवल पे गलियों में और उनके पानी का मसला, उनके रोड का मसला और इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला दुरुस्त किया जाए, उसके लिए आपने एडमिनिस्ट्रेटर कराची या मेयर को पावर देनी थी। तो अब आप ये कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर तो मर्जी का आगे लेकिन इख्तियारात तो आज भी मौजूद नहीं, और ऐसी माहौल में जब इख्तियारात मौजूद नहीं होंगे, वो सहूलियात मुयसर नहीं होंगी, तो एडमिनिस्ट्रेटर की तब्दीली भी कोई बड़ा कराची के लिए कारामत साबित होती हुई नजर नहीं आ रही। देखिए ये मुमकिन ही नहीं है, अगर ऐसा होता तो एमक्यूएम पाकिस्तान के पास ऑलरेडी 4 साल तक मेयर रहे हैं और उनका आपने जब भी वो टेलीविजन पे आए या पब्लिक तौर पे आए, इवन मुस्तफा कमाल ने उस टाइम पे, याद होगा अगर आपको, कि अजहर शाह स्टेडियम के पास रात के एक पहर में वो कचरा उठाने के लिए पहुंच गया था, उसने कहा भाई। तो बात ये है कि अथॉरिटीज नहीं है, बगैर अथॉरिटीज के सिर्फ एक फायदा जरूर होगा कि एक शख्स को या कुछ लोगों को एक झंडे वाली गाड़ी मिल सकती है, एक एसी वाला। तो अगर आप मेरा सब, अगर कोई फायदा नहीं है और आप यकीन तौर पे ये भी दुरुस्त फरमा रहे हैं कि इख्तियारात का तो आज भी मसला मौजूद ही है, वैसे ही अपनी जगह पे मौजूद है, तो काजी की जरूरत थी। तो मैं यही कह रहा हूँ ना मेरा सब, अगर इस सारी सूरत हाल ऐसी है तो फिर इस अमल के ऊपर इतना वक्त क्यों जाया किया गया, और हम ये देख रहे हैं कि आने वाले चंद दिनों में बल्दियाती इंतखाबात भी होने, बेहतर ना होता कि उन बल्दियाती इंतखाबात के ऊपर फोकस किया जाता, मेयर कराची के लिए मामला को बेहतर बनाया जाता। देखें भुट्टो साहब के बाद एक वो इंटेलेक्चुअल शख्स था, एक ब्रेन था पाकिस्तान का सियासी, उसके बाद अगर आप कह लें तो जरदारी साहब एक बड़े इंटेलेक्चुअल और सियासी असरसूख और जहन रखते हैं, जितने खूबसूरती के साथ उन्होंने इस मसले को टैकल किया और उन्होंने पीडीएम के जरिए और एमक्यूएम पाकिस्तान और दीगर तमाम पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर के आए। देखें ये तो बहुत पहले की बात थी जब वजीर आजम इमरान खान को जो गए हुए, काफी टाइम हो गया है उस टाइम से, ना ही तो एमकेएम पाकिस्तान को वजारत मिली, अब क्योंकि आपके पास बल्दियाती इलेक्शन करवाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, उसकी एक वजह शायद मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी को भी इस बात का खतरा है और एमकेएम पाकिस्तान को भी खतरा है, क्योंकि आवाम के दरमियान जो हवा है और जो आवाज है वो यकीनन पीटीआई की है, इमरान खान की है, वो वोट से डर रहे हैं। तो यही सवाल है मेरा साहब कि जब बल्दियाती इंतखाबात हो जाएंगे तो टेक्निकली उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटर की जो पोजीशन होगी वो कहां पे खड़ी होगी, उसके बाद कौन ज्यादा बाइख्तियार होगा? आप अगर जैसे कहते हैं कि ये जनवरी 2023 से इलेक्शंस करवाएंगे, देखें मैं आपको फिर बताऊं कि इलेक्शंस अभी मकसद नहीं है, जो मुआहिदा बहुत खूबसूरत किया था एमकेएम पाकिस्तान ने पीपल्स पार्टी के साथ। सर वो मुआहिदा एमकेएम ने खुद को धोखा दिया था या एमकेएम के वोटर सपोर्टर को धोखा दिया था? देखिए किसी टाइम पे तो नवाज शरीफ के साथ किसी ने जब एक मुआहिदा किया था तो उन्होंने कहा था कि ये कुरान के औराक नहीं है और ये सहीफा नहीं है, तो बात तो तब्दील हो सकती है, सियासत में हर कुछ हो सकता है, तो जब हमारी जाती मफादात शामिल किसी चीज में हो और इन इज्तमाही मफादात को हम दूर कर लें तो उसमें हमें धोखा मिलता है। इज्तमाही मफादात, आप ये मतलब ये आप कह रहे हैं कि मुत्तहिदा गवर्नमेंट को शायद धोखा मिला या उन्होंने खुद से धोखा खाया? देखिए मैंने आपसे कहा इंफरादी फायदा तो हो सकता है, लेकिन जब तक कानून साजी नहीं होगी, डिलिमिटेशन नहीं होगा, जब तक आपका सेंसस सही नहीं होगा, जब तक आपको एडमिनिस्ट्रेटर या मेयर या बल्दियाती इलेक्शन का कोई फायदा नहीं है। उसकी एक मैं मिसाल देते जाऊं, मैं हमेशा ये कहता हूं कि अगर घर में आपको जब ये मालूम ही नहीं होगा कि घर में अफराद कितने हैं, आपको पता ही नहीं है, तो आप किस तरह उनके लिए रोटी बनवाएंगे या रोटी मंगवाएंगे? अगर आपको पता है कि 10 अफराद घर में रहते हैं
तो यकीनन आप उसी आदाद व शुमार के मुताबिक उनको फैसिलिटेट करेंगे, उसको मैनेज करेंगे। तो लिहाजा कराची का मसला ये है कि इसको गिना ही गलत जा रहा है, जबकि डीजी रेंजर्स ने भी ये बात की कि ये आबादी 3 करोड़ की है, जबकि जरदारी साहब ने भी एक बयान में कहा कि आबादी 3 करोड़ की है, उसके बावजूद भी। तो आप जब ये मेराज साहब ये बात आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं और यकीन तौर पे जो आप जिन चीजों को कोट करें वो भी बिल्कुल दुरुस्त है। ये सारे मामला कराची में रहने वाला हर एक शख्स जानता भी है, उसकी जबान पे सारे मामला हैं सर, लेकिन इसके ऊपर आज भी मुत्तहिदा कॉम्युनिटी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिलकर कोई काम करते हुए तो दिखाई नहीं दे रहे ना। फैक्ट तो यही है कि आज भी ये चीजें जो कि तू है इसके ऊपर कोई पेशरफ नहीं हो रही। एडमिनिस्ट्रेटर को ले आया, एडमिनिस्ट्रेटर को तब्दील कर दिया, एडमिनिस्ट्रेटर के इख्तियारात क्या होंगे क्या नहीं उसकी एक अलग बहस है, लेकिन जो असल इशू है वो तो आज भी अनरिजॉल्व्ड है ना, उसको तो आज भी हम नहीं देख रहे। देखें किसी भी इशू को मिल बैठ के काम करने से पहले कुछ कानून साजी का होना जरूरी है। 148 जिस बात को कहता है और जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी सुनाया है उसको इंश्योर करवाना जरूरी है। उस वक्त तक कराची का कोई भी काम बेहतर नहीं हो सकता है, कोशिश जरूर की जा सकती है। 148 का मकसद यह है कि आपको इनको अख्तियार देना पड़ेगा, आपको इनको बजट देना पड़ेगा, आपको इन इन चीजों में जो आवाम के मसाइल हैं वो हल कैसे होंगे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची हल नहीं कर सकता, एडमिनिस्ट्रेटर डिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता, जब पैसे ही नहीं होंगे, बजट नहीं होगी, अख्तियारात नहीं होंगे, मेन पावर को सैलरी देना केएमसी के लिए मुश्किल है, तो वो आप कई डिस्ट्रिक्ट का मसला ये है कि वहां पर जो सैलरी दी जाती है वो भी सही तरीके से पूरी नहीं हो पाती है, आपने कई प्रोटेस्ट सुना होगा। तो लिहाजा सबसे पहले कानून साजी की जरूरत है, कानून साजी के बाद कानून साजी जब होगी तो उसमें ओपन एक चीज लिखी हुई है कि आप डिलिमिटेशन करवाएंगे, सेंसस करवाएंगे, इलेक्शन करवाएंगे। अब क्योंकि आपके पास बहुत ही मुख्तसर सा वक्त है कि आप जो हैं वो बल्दियाती इलेक्शन की जानिब भी जा रहे हैं, इतना तारीख पे तारीख देंगे, डिले पे डिले होगा कि शायद अब आवाम जो है वो पीपल्स पार्टी या मुत्तहिदा पाकिस्तान के सपोर्ट करेगी, तो लिहाजा थोड़ा सा डिले टैक्टिस किया जाए। तो देखें उससे ज्यादा बेहतर ये है कि आप बल्दियात को अख्तियारात के साथ बिठाएं, जो शख्स भी काम करेगा आवाम उसके साथ खड़ी होगी। आवाम को पीटीआई से उम्मीद वाबस्ता है क्योंकि उसने पिछले 20-25 साल एनकेएम पाकिस्तान को भी देखा है और कई साले और कई डिकेड तक जो है वो पीपल्स पार्टी को भी देखा है, नून लीग को भी देख चुकी है। तो लिहाजा आवाम किसी की उसी की सपोर्टर होगी जो काम करेंगे, लिहाजा पीपल्स पार्टी के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एनकेएम पाकिस्तान के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इख्तियारात और कानून के बगैर अगर एमपीएम एडमिनिस्ट्रेटर ले रही है या एमपीएम एडमिनिस्ट्रेटर डिस्ट्रिक्ट में बिठा रही है तो उसका हासिल कुछ भी नहीं होगा। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा साहब, आपका मौकफ आया और यकीन तौर पे ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कराची में अगर चेहरे की तब्दीली हो जाए तो उससे इख्तियारात की तब्दीली पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरीके से माजी में मुर्तजा वहाब साहब रहे और यकीन तौर पे उन्होंने काबिले कदर काम किया अपने टेन्योर में, मुर्तजा वहाब साहब ने जिस अंदाज से कराची के मामला को हैंडल किया, चलाया और ये कहा जा सकता है कि रादर स्मूथली कराची के मामला चलते हुए दिखाई दिए। बहुत से मामला थे जिसमें मुर्तजा वहाब साहब बहुत बेहतर डिलीवर कर सकते थे जो कि यकीन तौर पे कहीं ना कहीं लैकिंग रही और मुर्तजा वहाब साहब ने इस्तीफा भी दिया। लेकिन अब जब डॉक्टर सैफुर्रहमान साहब आए हैं तो ये क्या पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के लिए कुछ नया कर सकेंगे, ये एक बड़ा सवाल होगा। जितने इख्तियारात और जितने वसाइल मौजूद हैं एक एडमिनिस्ट्रेटर के पास, क्या उस वसाइल की रोशनी में ये सैफुर्रहमान साहब कुछ बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कराची वालों के लिए कुछ होता हुआ नजर आएगा। और साथ में ये भी बात बहुत अहम है कि आज से तकरीबन 1.25 माह बाद ये बल्दियाती इंतखाबात का जब अमल मुकम्मल हो जाएगा और हम देखेंगे कि बल्दियाती इंतखाबात के बाद जो दीगर मामलात जिस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो फिर एडमिनिस्ट्रेटर का जो इख्तियार है वो तो फिर एक बड़ा सवालिया निशान रह जाएगा। उसके ऊपर क्या होता है क्या नहीं होता यकीन तौर पर वक्त साबित करेगा। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने मेजबान मुनीर को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।
आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।